नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले विकास दिवस के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपने इस नए कार्यकाल में पहला जन्मदिन मनाने वाले हैं, जिसके तहत उनके जन्मदिन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने बड़ा बयान भी जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना जन्मदिन 1 मार्च को मनाने वाले हैं। वहीं उनका जन्म साल 1951 में हुआ था और इस साल नीतीश कुमार 70 साल के हो जाएंगे। हालांकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, मगर उनके कार्यकर्ताओं में जन्मदिन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है और इस बार भी उनके जन्मदिन को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस बार फिर से अपने नेता के जन्मदिन को खास बनाने के लिए जदयू के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और अपने नेता के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ही उनके जन्मदिन को अब विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर शहर, कस्बे और गांव में एक एक बूथ पर जदयू के कार्यकर्ता जुटेंगे तो सभी खुशी मनाएंगे और अपने नेता के लंबे आयु होने की कामना करेंगे। इसके साथ ही सभी नीतीश कुमार की तरफ से किए गए अनगिनत विकास कार्यों की चर्चा करेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेंगे। इस बाबत RCP सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार का जन्मोत्सव न सिर्फ पूरे बिहार के लिए बल्कि देश भर में जहां जहां जदयू का संगठन सक्रिय है वहां वहां मनाया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 2015 से 2017 भारत सरकार के एक मंत्री के रूप में सेवा कर चुके हैं। वो जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से हैं। 17 मई 2014 को उन्होंने भारतीय आम चुनाव 2014 में अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 68 वर्षीय जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि वो बिहार में राजनीतिक संकट के चलते फरवरी 2015 में कार्यालय में लौट आए और नवम्बर 2015 की बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। वो 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 2019 के आगामी चुनाव में कई राजनेताओं, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य ने भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रस्तावित किया। हालांकि उन्होंने ऐसी आकांक्षाओं से इनकार किया। 26 जुलाई 2017 को CBI द्वारा FIR में उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण के कारण नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी राजद के बीच मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया था। कुछ घंटे बाद वो NDA गठबंधन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली। वो साल 2020 में हुए चुनाव में भी जनता ने उन्हें एक बार फिर से बिहार के लिए काम करने का मौका दिया, जिसके बाद एक बार फिर से NDA के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई और बतौर मुख्यमंत्री बिहार की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ ही हम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।